हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब? अच्छे हैं? आप लोग अच्छे हैं? तो आइए आज देखा जाए हिस्ट्री का एक पार्ट जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये गौतम बुद्ध, ये बौद्ध धर्म से संबंधित हम लोग, यानी एंशियंट टाइम में कौन कौन से धर्म की उत्पत्ति होती है और उससे कौन से जुड़े लोग हैं और उसको कैसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो 2 घंटे की पढ़ाई हम लोग 10 मिनट में कवर करेंगे और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहले देखिए बौद्ध धर्म, ये बौद्ध धर्म के प्रचार प्रवर्तक कौन होते हैं? तो गौतम बुद्ध, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ हुआ करता था और ये एक राज्य परिवार से थे, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी यानी नेपाल में हुआ था। यस, गौतम बुद्ध, जो बाद में गौतम बुद्ध कहलाए। बुद्ध का अर्थ होता है प्रकाशमान, एशिया का किरण पुंज, यानी किसे कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया। तो कहिएगा गौतम बुद्ध को, यानी इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ। 29 साल की आयु में गृह त्याग कर अपने पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़कर ये 29 साल की अवस्था में गृह त्याग करते हैं। और ये गृह त्याग करने के बाद पीपल वृक्ष के नीचे गया में ज्ञान प्राप्ति इनको होती है, तब जाके ये बुद्ध कहलाते हैं। सिद्धार्थ क्या बन गए? बुद्ध बन गए, यानी इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो देखिए, सिद्धार्थ बचपन का नाम लुम्बिनी, जन्म कब? 563 BC। बुद्ध का मतलब प्रकाशमान। अब देखिए, इनके पिता सुदोधन और माता महामाया, और इनका लालन, इनके सातवें जन्म के सातवें दिन के बाद ही इनकी माँ का मृत्यु हो जाता है, महामाया देवी की। तो इनकी सौतेली माँ यानी मौसी, जिनको हम लोग बोलते हैं प्रजापति गौतमी, इनका लालन पालन करती हैं। तो महामाया माता हो गई। गुरु इनके अलार कलाम होते हैं, पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल, और सारथी का नाम चांद, और इनके घोड़े का नाम कंथक। गौतम बुद्ध के से जुड़ा इन चीज़ों को आप लोगों ने जाना। अब देखिए, हम लोग जानेंगे कुछ विशेष पाठ, जन्म, गृह त्याग, ज्ञान और निर्वाण और मृत्यु को किन चिन्हों में व्यक्त किया गया है, यानी किन चिन्हों के द्वारा दर्शाया जाता है। तो जन्म को कमल और सांड से, गृह त्याग को घोड़ा से, ज्ञान को पीपल वृक्ष से, और निर्वाण को पद चिन्ह से, और मृत्यु को स्तूप से। ठीक है, अब इनके त्रिरत्न, बुद्ध बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ। तो ये था बौद्ध धर्म से जुड़ी कुछ विशेष जानकारियाँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रत्येक दिन कम से कम समय में BPSC 7th फेज के लिए आप बेटर तरीके से तैयारी अगर करना चाहते हैं तो आप अधिक से अधिक जुड़े मेरे चैनल से, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। नहीं तो अन्यथा क्या बोल सकता हूँ, इतने बड़े कंटेंट को इतना कम करके आपको देना, ये थोड़ा सा तो मेहनत लगता है। तो आप लोगों को भी थोड़ा सा मेहनत करना है, सब्सक्राइब कर लेना है और लाइक कर देना है। तो आज के लिए इतना ही।